हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद आमिना। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू। चिकन स्टू बनाने के लिए हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है और हमने दो टमाटर को रफली एकदम महीन में बारीक काट लिया है। चार से पांच हमने मिर्ची ले लिया है, उसको भी कट कर लेंगे। धनिया पत्ती ले लिया है हमने, उसको भी कट कर लिया है हमने। चार से पांच प्याज भी ऐड कर लिया है, उसको भी बारीक काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। शिमला पाउडर हाफ टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया ले लिया है। और हम कुछ मसाले ले लेंगे। इसमें हमने धनिया ले लिया है, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची हमने पीस लिया। आप साबुत भी डाल सकते हैं। पतीली गैस पे रख लेंगे हम। इसमें 300 ग्राम तक तेल भी ऐड कर देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल इतना गर्म हो जाए कि हमारे तेल से धुआं सा निकलने लगे। फिर हम इसी स्टेप में प्याज को भी ऐड कर देंगे। प्याज को चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जलने ना पाए। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। थोड़ा ही हमें प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। हमें पिंक कलर सा आ जाए हमारी प्याज में। बस हम इसी स्टेप में हमारी प्याज हो रही है। अच्छे से हमारे बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जलने ना पाए। जल जाएगी तो हमारा चिकन स्टू का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। हमें इतना ही क्या बोलते प्याज को चलाते रहना है, इतना ही सिर्फ पिंक हो जाए हमारी प्याज। हम अपना गोश्त चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी ऐड कर लिया है। अच्छे से हमने क्लीन वॉश कर लिया था चिकन को। अब चिकन को हम ऐड कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। चिकन को भी हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारा चिकन कलर चेंज हो जाए, हमारी चिकन में अच्छी सी स्मेल आने लगे। हम चिकन को बार बार चलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन लगने ना पाए। अच्छे से हमारा चिकन हो भी जाए। चिकन हो रहा है हमारा। इसी स्टेप में हम नमक भी ऐड कर देंगे। एक टेबल स्पून भर के हम नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक और ले लिया है। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसको भी चलाते रहेंगे। फिर हम इसी स्टेप पे अपना टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम चलाएंगे, थोड़ा सा चलाएंगे टमाटर हमारा गल जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। टमाटर हमारा गल जाए, जब गल जाएगा तो हम अपने मसाले को भी ऐड कर देंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। फिर हम चलाते रहेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम भूंज लेंगे। अच्छे से भूंज लेंगे। हल्का हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया। हम अपने मसाले ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी हाफ टेबल स्पून हमने ले लिया है। उसको भी चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। हम कलछे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला लगने ना पाए। अच्छे से भूंजेंगे अपने मसाले को ताकि जो पेस्ट फाइन पेस्ट बना के रखा उसको भी ऐड कर दिया। आप साबुत मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
हमको साबुत मसाले नहीं पसंद, हमारे घर वालों को साबुत मसाला नहीं पसंद, इसलिए हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। आप ऐड कर देंगे क्योंकि चिकन स्टू में ज़्यादातर हम साबुत मसाले ही यूज़ करते हैं। अब हम हरी मिर्ची ले लेंगे, इसको भी डाल देंगे, इसको भी चलाते रहेंगे, हमारी मिर्ची भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, अपने चिकन को अच्छे से भूनते रहेंगे। हम तेल थोड़ा ज़्यादा ही ले लेंगे क्योंकि चिकन स्टू में थोड़ा दिखना चाहिए। आप कम भी ले सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद इसलिए हमने ज़्यादा ले लिया है। हम अपने मसाले को भूनते रहेंगे, बीच बीच में लगने ना पाए। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे, 5 से 10 मिनट हम धीमी धीमी आंच पकाएंगे। 5 से 10 मिनट हो गया, अब मेरा चिकन देखो अच्छे से भुन गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारी वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप सपोर्ट करें।